अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी। तो बिरयानी की कुछ चीज़ें तो हमने बना रखी हैं, तो चलिए आप सबको भी दिखाते हैं। यहाँ पर आलू मैंने प्रेशर कुकर में रंग के साथ डाल रखा है और गोश्त बनाने हम लोग चिकन बिरयानी बना रहे हैं, तो मैं आपको गोश्त चिकन को भी दिखाऊंगी। चिकन भी हमने चढ़ा दिया है बनाने। यहाँ पर है हमारा चिकन जो कि अभी बन रहा है, बन के तैयार हो रहा है। साथ ही यहाँ पर चलेगी चाय, तो चलिए स्टे ट्यून्ड। यहाँ पर आप साथ ही साथ देख सकते हैं मेरे साथ मेरी बहन है, वो साथ ही हम मिलकर के बिरयानी बना रहे हैं। तो ये पीछे चाय का इंतजाम कर रही है और मैं यहाँ पर व्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ मैं केक खाने जा रही हूँ और पीछे मेरा किचन आपको कुछ साइड दिख रही होगी। ये हमारा बर्तन स्टैंड है, तो कुछ दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर भी हमारा बर्तन स्टैंड है, छोटे बड़े मिलाकर के बहुत सारे बर्तन स्टैंड है। कभी ज़रूर आप लोगों को पूरा टूर दिखाऊंगी। तो अभी मैं केक इंजॉय करती हूँ। यहाँ आलू तल गए हैं, मैं आपको सिंपल से एक आलू दिखा देती हूँ। हल्के हल्के फ्राई हो गए, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि आलू पहले से ही गला हुआ है। चावल डल चुके हैं, पानी बॉयल हो रहा है, चावल के साथ साथ चावल पकने जा रहा है। और इतनी मेहनत के साथ जब मैं वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, तो मुझे 100 लाइक चाहिए, 500 कमेंट्स चाहिए। तो भूलिएगा मत, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। बिरयानी में गोश्त डाले जा रहे हैं। गोश्त की आंच हमने जलाकर रखी ताकि गोश्त बिल्कुल गर्मा गर्म रहे। वैसे दम में तो गोश्त वैसे भी गर्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं गोश्त बिल्कुल गर्म रहे। थोड़ा सा गोश्त हमारा गल भी जाएगा ज़्यादा। यहाँ मेरे हाथों में एक जायफल है जिसे हम ऊपर से खींचेंगे ताकि ये जायफल का टेस्ट बिरयानी को चार चांद लगा देगा। बिरयानी को तह लगा दिया है और अब बिल्कुल तावा प्रीहीट करके रखा, तावे पे रखने जा रहे हैं बिरयानी को। बस 10 मिनट में बिरयानी बनके तैयार हो जाएगी। बिरयानी तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। तो जिन लोगों को बिरयानी बहुत पसंद है वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में खूब सारे हार्ट स्पिन कीजिएगा। लव यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को अच्छा नहीं भी लगा है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सबके लिए नया ब्लॉग लेकर के आऊँ। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग कौन सा लाऊं। और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे हार्ट जरूर दीजिएगा। लव यू ऑल। चलती हूँ, मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।